चैनल दिव्यंश ब्लॉग, कैसे हम सब बुद्धि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि रात में हमने 12 बजे सेलिब्रेट किया था हैप्पी बर्थडे शिवी का। शिवी नहीं आई थी तो शिवी मत फोड़ो, शिवी नहीं आई थी तो शिवी इतनी टाइम आई है, बैलून देखे इतनी खुश हो रखी है, है ना शिवी? एक और चीज है, आज आज 12 बजे सो रही थी। आज क्या एक चीज और है, आज मेरा मैथ्स का टेस्ट है। कल ही था, आज है। ट्यूसडे को बोला था उन्होंने, वो पेपर्स नहीं आते थे। आज मैथ्स का ट्यूशन में मैथ का टेस्ट है। तो देखते हैं क्या कमाल करते हैं। रात का ही सजा हुआ डेकोरेशन। अब रात में हम फिर करेंगे थोड़ी बड़ी वाली पार्टी जिसमें ज्यादा लोग शामिल होंगे, तो उसको जाके करेंगे दिल्ली और में। वहाँ पे म्यूजिक भी बजेगा, थम थम दिल्ली में करेंगे, इनके बाबा के घर जाएंगे। पापा के बर्थडे में चलोगी? हाँ। बोल रही है हाँ। ये बलून देख के इतना खुश हुई कि क्या बताओ। बहुत मेरा ट्यूशन का टाइम हो रहा है, जाओ फिर, अभी 10 मिनट्स बाकी है। मेरा ट्यूशन का टाइम हो रहा है, मेरा टेस्ट है, मेरे को डर लग रहा है। जिसने तैयारी की होती है उसको डर थोड़ा होता है, तुमने तैयारी नहीं की, इसका मतलब इतना सारा बैलून कहाँ से मिला? कितनी खुश है यार, क्या जबरदस्त बंदा है यार। मैंने दिया और बेहद शोर मचा। नहा लिया है, हेयर वॉश भी कर लिया है, और ये है शिवी। शिवी भी नहा वहा के आ गई। ये सब तीनों लोग लेटे हो है? अब उसको इतना दबाओ कि रोके भागी ही भागी जाए। नॉर्मली ले रहोगे तो चाहे थोड़ी देर वो लेटी भी रहे, है ना शिवी? फिंगर खा रही हो? फिंगर क्यों खा रही हो? फिंगर नहीं खाते। मिठाई खत्म हो गई? नहीं, मैंने फेंक दी। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा पान पड़ा था। तो कहाँ फेंक गया है? डस्टबिन में। किधर उधर फेंक दिया? सीधा पान पड़ा था। तो ये रोई नहीं? रोई थी, पत्ती आ गई मुँह में। उसके लिए रोई जो पत्ती आ गई? हाँ। तो फेंक दिया मिठाई, उसके लिए नहीं रोई? नहीं। है ऐसी भी तुम्हारी मिठाई में पान आ गया था? तो भैया क्यों खाएगी? काम भी हो गया है, और अब आधे घंटे करेंगे रेस्ट। बहुत थक गई हूँ, यहाँ पे डस्ट और गंदगी बहुत हो जाती है। घर क्लीन करने में कम से कम यहाँ 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। शिवी मार खाओगी? अब एक वर्ड सीख लिया, नहीं नहीं। और नाना जी की भी कर ली है यहाँ पूजा, पूजा हो गई, गणेश जी की कर लिया है। और टाइम हो चुके हैं फ्रेंड्स 10:45। यहाँ क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, इस घर में बहुत डस्ट होता है और बहुत। तो गाइज अभी शाम के बज चुके हैं, करीब 4:45 हो रहे हैं। तो अब धूप बहुत एकदम हल्की, वैसे धूप आज तेज़ थी भी नहीं, तो हम लोग निकल गए हैं अब दिल्ली के लिए। मुंडावली जा रहे हैं अभी, हमें रास्ते में दीदी भी मिल जाएंगी तो हम सब लोग साथ में ही जाएंगे। कम से कम 10 मिनट लगेगा यहाँ तक पहुँचने में।
जी ये हमें 10 मिनट यहाँ वेट करना पड़े था। आज हम बिल्कुल एट ए टाइम निकले थे कि जब दीदी अपने घर से निकले तभी निकले, हमें इंतजार ना करना पड़े कर कुछ ऐसा हो गया कि हमें वेट करना ही पड़ेगा 10 मिनट तक। पागल हो, पुलिस स्टेशन में क्यों बैठ जाएंगे? फोटो क्यों लगी है इसकी? वो हो गए, उनको तलाश कर रहे हैं पुलिस स्टेशन के फोटो। ये पीछे पीछे छोटा सा ये बना हुआ है पुलिस स्टेशन। चीकू कह रहे हैं कि चलो इसी में बैठना है, पुलिस स्टेशन में बैठना है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं मंडावली और ये हैं छोटे, अपने शॉर्ट्स में आ गई हैं। छोटे हैं कि अंशी है? अंशी अंशी छोटू दोनों हैं। बैलून फुलाने जो इनकी है मेन ड्यूटी है बैलून फुलाने वाली, वो कार्यक्रम जारी है। क्या मी आल्सो इशू ले आए म्यूजिक सिस्टम उठा के। घर की डेकोरेशन वगैरह हो गई थी और ये ऑफिस से भी आ गए थे, तो पापा ने कहा कि जाओ मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ। तो घर से कुछ ही दूरी पे मंदिर है, एक शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर बोलते हैं, पर यहाँ सारे देवी देवता हैं, सारे भगवान जी हैं। यहाँ पे शिव जी का ही मेन मंदिर है, शिव मंदिर, शिव पार्वती जी का। तो फिर मैं इनके साथ आ गई यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने। चिकोड़े पकोड़े क्या हुआ, क्या हो गया हैं? क्या हुआ, क्या मुंह फुला के बैठे हो? किसने? बाबा ने डांटे। किस लिए? तुम लोग क्यों डांटे? कौन? ईशु। मैं खींचता हूँ, बोलो देखो बाबा। ईशु ईशु तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना है। आओ आ जाओ चीकू, जल्दी है जल्दी। रहने देना मत कर, गीले बाल में कंघी निकल जाती वैसे भी, मत करो। दादी थोड़ा सेट करो, मम्मी नहीं खिसकाएंगे, आप अपनी चेयर खिसकाओ, ऊपर जाओ आप अपनी चेयर। वो कह रही है और ऊपर जाओ, ऊपर रुक जा, ये नहीं लगाना। अरे पापा देखिए घूम रही है ऐसे, देखो इधर दादी को, इधर मम्मी को, इधर करो, ये देखो। हाँ अब देख रही है। अरे अरे क्या ठीक हो जा, तुम भी खिंचवा लो जा। बैठे हैं ऐसे ऐसे आप, पता नहीं क्या धीरे धीरे कंघी से कर रही खड़ी हो गई। रेडियो धीरे करो, साउंड धीरे कर दो अपना। नमस्ते, चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ती है सबसे। धन्यवाद धन्यवाद। चलो चलो चलो।
वो नाची लोग डेडी की गोद में बैठ के गाड़ी चला रही हूँ। शिबू गाड़ी चला रही हो? हाँ। गाड़ी चला रही हो? हाँ। चला ले चलो जल्दी जल्दी। वाह शिबू वाह, ले चलो जल्दी ले चलो। तुम गाड़ी चला रही हो? गाड़ी चला रही हो? इधर देखो फिर। ये गाड़ी चला रही है। फिंगर क्रॉस करना था और ये कंजर सब पीछे बैठे। डर लग रहा है। कंजर फिंगर क्रॉस कर रखा है शिब्बू के गाड़ी चलाने की वजह से। मैं उतरूंगी। है ना, देख के उतरना बेटा। गाड़ी चला रही हो? हाँ, इसी भी लेके। अरे अभी जा भी कहाँ गई हूँ। लोग देखो ड्राइविंग कौन कर रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। ड्राइविंग कर रही है बेटा देख के। शिबू को हम ले जाएंगे, कोई बात नहीं। रोएगी यार, उसको भी लोग जाएंगे देख। और ना नहीं आएंगी वो गाड़ी चला रही है। और गाड़ी चलाओ तो बहनी। हाँ समझ गई, सब समझ गई है, वो नहीं आएंगी। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं करीब 12:30। तो हम सब भी निकल रहे हैं अपने घर के लिए। गेस्ट सब जा चुके हैं, मम्मी पापा भी अपने अपने बेड पे लेट गए थे। तो अब हम लोग भी घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि सुबह है, सबका ऑफिस लेट वैसे ही बहुत हो गया है। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स आपने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय फ्रेंड्स।